हेलो फ्रेंड्स, कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स स्वीट कॉर्न और पालक की सब्जी। बहुत टेस्टी होती है और उसके लिए मैंने पालक को अच्छे से धो के रख लिए है और मैंने स्वीट कॉर्न को फ्रेश खरीदा खाया था और उसको मैंने पील करके रख लिया है, यानी कि छील के, और इसको हम साफ करके रखे हैं। और इसके तड़के के लिए मैंने रखा है लहसुन को छील लिया है। अभी इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे और प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ का रखा है और टमाटर मैंने 3 रखा है, देसी है तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। 2 मैंने ग्रीन चिली लिया है, बहुत स्पाइसी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप और ले सकते हैं। बटर लिया मैंने तड़का के लिए, थोड़ा बटर डालेंगे, थोड़ा तेल डालेंगे। अगर आपको बटर नहीं पसंद है तो आप तेल के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्वीट कॉर्न उबालने के लिए इसमें रख दिया है पानी। पानी हमारा उबल रहा है, इसमें स्वीट कॉर्न डाल देंगे और इसको 5 से 7 मिनट थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल के और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे ढक के। नमक इसमें डाल दिया फ्रेंड्स स्वाद अनुसार, और ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको हम ढक देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। और फ्रेंड्स, पालक भी उबालना है तो फिर पालक के लिए भी मैंने पानी रख दिया उबलने के लिए, और इसमें 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि पालक बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने पालक सॉफ्ट होने के लिए उबाल लेंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा करके इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसे भी ढक देंगे फ्रेंड्स और 3 से 4 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पालक पक गई है और इसको पकने में 2 से 3 मिनट ही लगा था। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको हम ऐसे ही छान के ले लेंगे, इसमें ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रेंड्स। और पानी को नहीं फेंकेंगे क्योंकि पानी में पूरा इसका वो निकला है, आयरन निकला है, तो इसको हम रखेंगे और ये ठंडा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये भी पक गया है, इसको भी अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम फिल्टर करके रख लेंगे। मैंने पैन रख दिया था फ्रेंड्स और ये गर्म हो गया था। इसमें बटर डालेंगे, बटर थोड़ा डालेंगे और थोड़ा तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको घी और बटर नहीं पसंद है तो आप बिना बटर और घी का तेल में बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। इसको मेल्ट होने के बाद इसमें तेल डालेंगे। गरम हो गया फ्रेंड्स तेल, इसमें 1 चम्मच का 1/4 भाग इसमें जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से भूनने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जीरा हो गया है और इसमें 1 इलायची डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। और हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था फ्रेंड्स, अदरक लहसुन और प्याज को हम पहले डालेंगे। एक मिनट हो गया है और इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अदरक लहसुन का, और इसमें हरी मिर्ची भी पीस लिया था और ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है और इसमें तेल दिखने लगा है। इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे, और साथ में सारा मसाला डाल देंगे। इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और गरम मसाला 1 चम्मच का 1/4 भाग डाला मैंने। धनिया मैंने 1 चम्मच डाला है। हल्दी मैंने 1 चम्मच का 1/4 भाग डाला है। सब्जी मसाला मैंने 1/2 चम्मच डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने इसमें 1/2 चम्मच, और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से सारा मिक्स कर लेंगे, जब तक तेल ना दिखने लगे इसे मिक्स करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है और इसमें से तेल दिखने लगा है साइड से। देखिए एकदम अच्छे से हो गया है। इसमें जो हमने पालक को रखा था उबाल के, उसको पीस लिया है, इसको हम डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे जो उबाल के रखा है, और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद पानी डाल के ढक के रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद इसको हम चेक करते हैं और इसमें हम पानी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसमें हल्का हल्का उबाल आ रहा है। इसमें हम पानी डाल देंगे।
पानी डाला फ्रेंड, जिसमें हमने पालक को उबाला था। और ज़्यादा पतला नहीं करना फ्रेंड्स आज, आप या तो आप इसको चाय पराठा और उसके साथ भी खा सकते हैं, इतना ही पतला करना है। और 2 से 3 मिनट इसे भी ढक के पकाएंगे, उसके बाद हम इसे फ्लेम को ऑफ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो गया है, ये अच्छे से पक चुका है, देखिए एकदम अच्छे से पक गया है ये। और हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा होममेड क्रीम डालेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स रेडी हो गया है, और मैंने होममेड क्रीम रखा था, इसको हम इसमें डाल देंगे। और अब इसको हम सर्व करेंगे प्लेट में। और फ्रेंड्स ये एकदम रेडी है, आप इसको रोटी पराठा और जीरा राइस और प्लेन राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू।